सरकार को घेरा जा रहा है राजस्थान में। इस बिल का विरोध तेज होता जा रहा। प्रदेश के किसानों को भी मोदी सरकार कृषि बिल रास नहीं आ रहा। प्रदेश किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मिहिर आर्मी के चीफ हिम्मत सिंह ने राजस्थान के 25 सांसदों को चेतावनी दी है कि सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल के विरोध में सभी सांसदों का बहिष्कार किया जाएगा। मनमानी उन्हीं की चल रही है, मोदी जी की सरकार है, नीचे से ऊपर तो वही कर रहे हैं। 25% ने किसान हमारे चुने हुए नेता भेजे हुए हैं, जहां तक हमारी कोई बात ही नहीं, आगे सब चुपचाप बैठे हैं। कृषि बिलों पर केंद्र सरकार के खिलाफ राजस्थान के किसानों ने हल्ला बोल दिया है। हिम्मत सिंह ने केंद्र सरकार से कह दिया है कि नाराज किसान कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। किसान नेता ने किसान विरोधी बिलों का समर्थन करने वाले प्रदेश के 25 सांसदों के सार्वजनिक बहिष्कार का बिगुल भी फूंक दिया है। किसान अब सांसदों को गांव में घुसने न देने का अभियान चलाएंगे। किसानों ने एक सुर में कहा कि ये कृषि अध्यादेश है जो किसानों के विपरीत है, किसानों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें लेवी का जो निर्धारण है, एमएसपी का निर्धारण है, वो नहीं रखा गया है। तो हम सभी लोग किसान विरोधी इस बिल का विरोध करते हैं और जो 25 सांसद हैं उनका बहिष्कार करेंगे और उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, ये निर्णय लिया गया है। किसानों ने मोदी सरकार से सवाल किए हैं कि अब आपको जवाब देना चाहिए कि अनाज मंडी खत्म होने पर किसान को एमएसपी कैसे मिलेगी, कौन देगा, क्या एफसीआई किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद सकती है, एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी क्यों नहीं है, इनका जवाब क्या है। इनडायरेक्टली किसानों की जमीन खरीदने के लिए इस बिल को लाया गया है। हम भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के, जिससे यहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे निकला था, उस हाईवे में जो जमीन ली गई थी वो 2013 के एक्ट के हिसाब से नहीं ली गई थी। यहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और यही भूमि अधिग्रहण का, जैसे 2013 के एक्ट को खत्म करके मोदी जी ने 2016 में एक्ट लाया, उसी से किसानों को दोगुना या सवा गुना मुआवजा मिल रहा है। चार गुना की जो बात थी 2013 के एक्ट में वो नहीं है। मोदी सरकार के बारे में किसान संघर्ष समिति के उस बयान को कि जो किसान खून पसीना एक करके धरती से अनाज पैदा करता है, वही किसान फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार को भी उखाड़ फेंकता है कि दूरगामी मायने निकाले जा रहे हैं। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।